हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कॉपीराइट क्लेम कैसे दे सकते हैं दूसरे को। कॉपीराइट क्लेम मैं आपको बता देता हूँ, कॉपीराइट क्लेम क्या है सबसे पहले वो बता देता हूँ। कॉपीराइट क्लेम वो होता है अगर जो मेरे चैनल की वीडियो किसी और ने रीयूज़ कर ली और मुझे पता चल गया तो मैं उस पर अपना कॉपीराइट दे सकता हूँ अगर जो मैं चाहूँ तो। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बताने की कोशिश करूँगा। जैसा हम बॉलीवुड्स के, हॉलीवुड्स के, हम किसी के भी म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं या ऑडियो क्लिप्स यूज़ कर लेते हैं या छोटा सा क्लिप यूज़ कर लेते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो वो हमें कॉपीराइट दे देता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आप छोटी सी क्लिप यूज़ करते हो किसी भी बॉलीवुड सीन की या किसी भी एल्बम की, आप अगर छोटी सी क्लिप यूज़ करते हो और आपके व्यूज़ आए हैं 10 से 15, 50 या 100 व्यूज़ आपने उस पर लिए हैं, अगर जो आपकी वही वीडियो वायरल हो जाती है, मतलब मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं और उस कंपनी को पता चल जाता है जिस कंपनी का म्यूज़िक आपने यूज़ किया है, तो वो आपको कॉपीराइट दे देगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप कॉपीराइट से बचें और अपना रियल कंटेंट बनाएं। और कॉपीराइट कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ कि अगर जो आपका कोई कंटेंट यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा सेकंड पर्सन अपने चैनल में डाल रहा है आपका कंटेंट डिटो उठा करके और आप उसको कॉपीराइट देना चाहते हो तो वो किस तरह से देंगे आप उसको कॉपीराइट, बताऊँगा इस वीडियो में। बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो को और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि समझ नहीं आएगा कि कॉपीराइट क्लेम किस तरह से दिया जाता है। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो जब कोई उठा लेता है अपने चैनल से और रीयूज़ कर लेता है और अगर जो हमें उस पर कॉपीराइट देना है तो हम वो कॉपीराइट कैसे दे सकते हैं कि भाई इसने हमारा कॉन्टेंट यूज़ किया हुआ है तो हम इस पर कॉपीराइट कैसे देंगे, तो वही मैं बताने के लिए आपको इस चैनल पर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुन्नू की टैग की कितनी सारी वीडियोस यूज़ की गई हैं, उन्होंने अपने चैनल्स पे यूज़ की हुई हैं, अगर जो हम चाहेंगे तो हम उन पर कॉपीराइट दे सकते हैं। ठीक है, उनके पास 7 डेज़ का नोटिस जाएगा और उसके बाद अगर जो 7 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने वीडियो रिमूव नहीं करी तो उनके चैनल को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको आज वही प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे कॉपीराइट आप दे सकते हैं अपनी वीडियो पे अगर जो आपकी वीडियो किसी दूसरे चैनल ने अपलोड की हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा हम किसी की वीडियोज़ यूज़ करते हैं तो वो सोचते हैं कि उसको पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो, इसकी वीडियो हमने थोड़ी सी तो यूज़ करी है तो इसको क्या पता चलेगा, तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है तो उसको नहीं पता चल पाएगा कि हमने छोटी सी क्लिप यूज़ करी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब आप चैनल्स पर आओगे, चैनल्स पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपीराइट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप कॉपीराइट पे क्लिक करती यहाँ पर आपको हर वो व्यक्ति दिख जाएगा जिसने आपका 1 सेकंड का भी क्लिप यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अभी पेज 10 हुआ है, अभी मैं इसको 50 कर देता हूँ। और भी बहुत सारे वीडियोस लोगों ने यूज़ किए हैं इनके। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इन वीडियो पर कॉपीराइट कैसे दे सकते हो अगर जो आपका कंटेंट किसी ने यूज़ किया हुआ है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इनका इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप किसने कितना परसेंट यूज़ किया हुआ है, ये चैनल्स के नेम हैं, ये डेट है कब कब किस किस डेट में यूज़ किया हुआ है और ये टोटल व्यूज़ हैं जो उन पर आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले ही चैनल की बात कर लेता हूँ, यह है दिनेश फोटोग्राफी। इन्होंने 100% वीडियो यूज़ किया हुआ है, मतलब पूरी ही वीडियो इन्होंने अपने वीडियो में इनकी अपलोड की हुई है। ये मार्च 18, 2021 को इन्होंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद इस पर व्यूज़ देखिए आप 1.4 के व्यूज़ आ रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे इस आइकन पे और क्या इन्होंने कंटेंट यूज़ किया हुआ है। तो ये वीडियो इसने कंप्लीट यूज़ की हुई है अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको अभी इस वीडियो पे कॉपीराइट का प्रोसेस बता देता हूँ कि कॉपीराइट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे की ओर यहाँ पर सेव के बराबर में 3 डॉट्स होंगे और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम रिपोर्ट पर जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट पर जाने के बाद इन फिगरिंग्स माई राइट, सो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद चूज़ वन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हम इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम
बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें कॉपीराइट इशू देना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, सबमिट अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट। यहाँ से इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेजेस पे आप लैंड कर जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 फॉर्म्स हैं, इनको फिल करना होगा। नंबर 1 ये फॉर्म है हमारे पास, 2 ये वाला है वीडियो रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल, मतलब हम यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई इसको रिमूव कर दे अपने चैनल से। ठीक है, उसके बाद 2nd ऑप्शन में कॉपीराइट ओनर, मतलब कौन कौन उसके ओनर हैं, वो है या ये है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रूफ है उसका कि हम ओनर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ थर्ड फॉर्म पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं आपको इनको फिल करना बता देता हूँ कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर ऐड अ वीडियो पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ वर्क, मतलब क्या उन्होंने यूज़ किया है आपका वीडियो, तो हम वीडियो पे वीडियो है, सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है, सॉफ्टवेयर है, आर्ट वर्क है, या और भी लाइव परफॉर्मेंस है। ठीक है, अदर, तो यहाँ पर हम वीडियो पे क्लिक करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो यूज़ की हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पर सब कैटेगरी भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, माई फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके, उसके बाद उनका हमें यहाँ पर URL डालना है जो उन्होंने वीडियो यूज़ की हुई है ना, ये वाली वीडियो, इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेना है हमें और यहाँ पर जा कर के इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर टाइटल भी आ गया उनका और उनका चैनल का नाम भी आ चुका है और व्यूज़ भी आ गए हैं, सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे हैं आपको, 0 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन ऑफ इन फिगरिंग फिगर्स कॉन्टेंट, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे कि इन्होंने वीडियो हमारी मतलब थोड़ी सी यूज़ की है, टाइम लैप्स, या हमारी एंटायर वीडियो, मतलब ये पूरी वीडियो, तो हम यहाँ एंटायर वीडियो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें वो वीडियो डालनी है जो मतलब हमारा ओरिजिनल कंटेंट है चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद ये हमारा पहला फॉर्म फिलअप हो जाता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है, ये हट जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम 2nd फॉर्म की ओर चलते हैं। यहाँ पर अफेक्टेड पार्टी, मतलब इसका पार्टी का कौन ओनर है, यहाँ पर ओनर आ जाएगा, यानी कि माई सेल्फ। उसके बाद नेम ऑफ द कॉपीराइट ओनर रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम कॉपीराइट ओनर का नाम लिख देंगे, उनका फ़ोन नंबर लिख देंगे। ठीक है, उनकी मेल यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर 2nd मेल भी मांग रहा है ऑप्शन में। उसके बाद अब यहाँ 2nd ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रिलेशनशिप टू कॉपीराइटेड कॉन्टेंट, मतलब जिसने आपका कॉन्टेंट यूज़ किया है उससे आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, किस कंट्री का रहने वाला है, यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, उसके बाद हम यहाँ पर उसका एड्रेस हम यहाँ पर फिल कर देंगे कंप्लीट, और यहाँ पर सिटी मतलब कौन से शहर का है, यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर उसका पिन कोड यानी कि जिप कोड, राइट। उसके बाद हम 3rd फॉर्म की ओर चलते हैं। 3rd फॉर्म में यहाँ पे रिमूवल टाइमिंग दिखा रखी है, मतलब इनके पास 7 डेज का नोटिस जाएगा। ठीक है, उसके अंदर अंदर उन्होंने अगर जो हमारी वीडियो डिलीट ना की या रिमूव नहीं की अपने चैनल से, तो उनका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, और इनको आप सबको सबमिट क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, मतलब सिग्नेचर की रिक्वायर्ड यहाँ पर होगी। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे आप। सबमिट करने के बाद उनके पास ये 7 डेज का नोटिस चला जाएगा। 7 डेज के अंदर YouTube भी मतलब उस पर रिसर्च करेगा कि क्या कंटेंट इन्होंने कॉपी किया या इन्होंने कॉपी किया, कौन ओनर है इसका, वो भी पूरा मतलब एनालाइज करेंगे पहले दोनों चैनल्स को कि कौन जेन्युइन इसका ओनर है। उसके बाद कॉपीराइट इनको 7 डेज के अंदर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा, और भी वीडियो हैं यहाँ पर, आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कि कितना परसेंट यूज़ किया हुआ है इसने, 100 100 100 100, 30% यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसने 60% यूज़ किया हुआ है ये, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स भी देख सकते हैं आप, इन ये चैनल्स हैं, ये डेट्स हैं, ये टोटल व्यूज़ हैं उन पर कितने। तो आशा करता हूँ आपको ये 2021 की कॉपीराइट्स रिमूव की ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। ये अभी लेटेस्ट आई है, इससे पहले आप अगर जो देखते तो बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत उसमें लिखना पड़ता था, लेकिन अब ये छोटी सी ट्रिक है, आप अपनी वीडियो पे कॉपीराइट दे सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम दिया हुआ है, जब इस वीडियो को अपलोड किया गया था तो इस पर कोई कॉपीराइट नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इस पर 5000 से प्लस व्यूज पहुंच गए, तो जिसकी जहाँ की वीडियो है, जहाँ से वीडियो ली गई है, उन्होंने इसको देख लिया है और इस पर कॉपीराइट क्लेम दे दिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी
कॉपीराइट क्लेम से बचे, उसको चैनल, वो चैनल की ग्रोथ को रोकता है कॉपीराइट क्लेम। और दूसरे है कंटेंट यूज मत करें अपने वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो दूसरे की सेम वीडियो उठा लेते हैं, अपना लोगो चिपका देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। उससे आप ही का नुकसान है, आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी, उसकी आप ब्रांड वैल्यू कर रहे हो। जो उसका चैनल है उसकी वैल्यू बना रहे हो आप, जो उसका फेस है उसकी वैल्यू बना रहे हो आप अपने चैनल में डाल करके। अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, अपना नाम कमाओ, क्यों आप दूसरों को प्रमोट कर रहे हो अपने चैनल्स के अंदर। तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी की एक मिनट भी यूज मत करो किसी का भी चैनल। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट अगर जो आपको जरूरत पड़ती है बैकग्राउंड म्यूजिक की, जैसा आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए है या कुछ भी इस तरह की आपको आवाज चाहिए या फनी वॉइस चाहिए आपको, तो आप नो कॉपीराइट लिख करके वहां पे सर्च कर सकते हैं। जो नॉन कॉपीराइट वाले वहां पे आपको वीडियो शो करेगा वही आप वहां से डाउनलोड करना। जब आप वो वीडियो डाउनलोड करोगे तो शायद उन वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।